So in a straight line, we are doing exercise 10.2. Basically, we have ideas about a straight line in five equations, type of five, that is equation passing through one point, y minus y1 equal to mx minus x1, 2 points, intercept form, slope form, and only intercept. ठीक है, and last में normal form का. ये five format आपके mind में set होनी चाहिए. इसके behalf पे आप सारे question one by one करते चले जाएं. ठीक है, अब जैसे मैंने question दिया कि कह रहा find the equation of the line which cut equal intercept on the axis. जहाँ से बोला axis में, तो that means आप समझ जाएंगे ये intercept form का question. कह रहा मुझे इस line की equation निकालनी है. That make equal intercept on axis and passing through a pass भी हो रहा and passing through point 2 comma 3. Suppose ये रहा point मेरा 2 comma 3. इस line की क्वेश्चन निकालनी है 2 comma 3 से जा रहा है and make equal intercept on axis. मतलब this one is equal to this one. जब intercept की बात की तो let equation क्या लिखी आपने x upon a y upon b equal to 1. This is your line. ठीक है, ये equation of line हो गई. ये अपने line का equation आपने assume कर लिया. आप कह रहा equal intercept for according to question that is a and this is also a, both will be equal if they are saying equal intercept. So you can say x upon a y upon a equal to 1 and this one line is passes through the point 2 comma 3. So x is equal to 2 and y is equal to 3. So 2 upon a c upon a equal to 1. यानी x और y की जगह पुट कर लिया मैंने 2 और 3. So a is what? A equal to 5. और क्या मैंने a equal to 5 आया. A equal to 5 है तो b equal to also 5 because both are equal. इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पुट किया तो फाइनल आपके पास आई वैल्यू x upon 5 y upon 5 equal to 1. So this is your required line. This is your required line passes through 2 comma 3. इसको आप ऐसे लिख सकते हैं OR और that is x plus y equal to 5. LCM देखे लिखे हैं. ठीक, ये वो लाइन इक्वेशन है जो 2 comma 3 से पास हो रहा है. इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा तो a और b को मैंने आपस में इक्वेट कर लिया, उनकी x y की वैल्यू पुट करके a निकाला, a एंड b बोथ आर इक्वल तो b भी आ गया 5. a और b को जाके यहाँ पे पुट कर लिया. तो ये इंटरसेप्ट प्रॉब्लम थी, देखते समझ गए थे, उसने इंटरसेप्ट वर्ड यूज किया. ठीक, इसी इंटरसेप्ट फॉर्म का एक और क्वेश्चन है. कहता है जैसे फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसी इंटरसेप्ट प्रॉब्लम की भी बात कर रहा हूँ. फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग टू द पॉइंट 2, 2, कह रहा है ये पॉइंट है 2, 2, यहाँ से पास हो रही है 2, 2 से पास हो रही लाइन. ठीक, and cutting of intercept on the axis whose sum is 9. कह रहा sum 9 है, let ये अगर आपका a है and this is your b, तो given क्या आपको given है a plus b equal to 9. ठीक, तो आपको क्या दिया, आपको उसने दिया आपको a plus b equal to 9. line pass हो रही 2, 2 से, तो intercept दे दिया, तो again we are using intercept form. let equation की line क्या है x upon a plus y upon b equal to 1. line कहाँ से पास हो रही है 2, 2 से, तो x की जगह 2, y की जगह 2. ये बन गया इक्वेशन. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. दोनों इक्वेशन बन गई, इन दोनों की हेल्प से मैं a और b निकाल लूंगा. निकाल के कहाँ पुट करूंगा, इधर पुट कर दूंगा a और b. दिस इज योर रिक्वायर्ड लाइन. इस वाले से मैंने a की वैल्यू निकाली क्या 9 माइनस b, तो 2 अपॉन a की जगह पुट कर देंगे 9 माइनस b एंड 2 अपॉन b इक्वल टू 1. फ्रॉम दिस वन इक्वेशन b क्या आ जाएगा, a आ जाएगा 9 माइनस b, को यहाँ पुट कर लिया मैंने. राइट, अब यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेता हूँ टू मेक द क्वाड्रेटिक. 2 इंटू b दैट इज योर 2b प्लस 2 इंटू 9 18 माइनस 2b डिवाइडेड बाई इनका मल्टीप्लाई क्या, दैट इज 9b माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 1. प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया. ठीक, नाउ गोइंग फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लूं तो वैल्यू ऑफ मेरे पास आ जाएगी
क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 9b माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 18, शिफ्ट किया दैट इज बी स्क्वायर माइनस 9b प्लस 18 इक्वल टू 0। ये बन गई मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सिंप्लीफाई करूंगा, b के फैक्टर आ जाएंगे 6 और 3। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा 6 और 3 आएंगे ना, b इक्वल टू 6 आएगा, b इक्वल टू 3 आएगा। तो b की वैल्यूज को मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ तो मेरे पास a आ जाएगा। तो जब b 6 है तो a 3 हो जाएगा, और जब b की वैल्यू 3 है तो a इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो टू पॉसिबल वे बनेंगी, सो देयर विल बी टू पॉसिबिलिटी। तो a और b की वैल्यू आ गई, उसको फिर हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो देयर विल बी टू लाइंस पासेस टू 2, 2 एंड विच मेक इंटरसेप्ट ऑन एक्सेस a एंड b, x एक्सेस y एक्सेस दैट इज a एंड b, एंड वेयर सम इज व्हाट, a प्लस b इक्वल टू 9। तो आपकी दो लाइनें पॉसिबल होगी, उनकी ये इक्वेशन होगी। आई थिंक दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर। इफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी, अगर कोई डाउट है आप उससे डाउट पूछ सकते। ये दोनों क्वेश्चन मैंने, दिस इज व्हाट, दिस इज योर इंटरसेप्ट प्रॉब्लम। इंटरसेप्ट वाला जो टाइप पढ़ा था उस पे बेस मैंने क्वेश्चन किया। ठीक, अब मैं आता हूं सम नॉर्मल फॉर्म वाले क्वेश्चन, नॉर्मल टाइप वाले फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म की क्वेश्चन क्या थी, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p, राइट। अब वो आपसे डिस्कस कर रहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 एंड एंगल मेड बाय द लाइन 30। कह रहा है कि ये लाइन है, ओरिजिन से ड्रॉ किया परपेंडिकुलर p है और उसने इसके साथ एंगल बनाया 30 डिग्री। आप समझ गए ये मेरा इंटरसेप्ट फॉर्म अप्लाई होगा। तो फॉर्म ऑफ इंटरसेप्ट क्या होगा, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p। इसमें तो उसने सारी चीजें आपको दे दी, वन मार्कर क्वेश्चन था। x cos थीटा कितना है 30 डिग्री, y sin थीटा कितना है 30 डिग्री इक्वल टू p, और उसने आपको p दे दिया है 5 मिनट। ठीक, तो x cos 30 कितना होगा √3/2, sin 30 कितना होगा 1/2 इक्वल टू 5। टेक द एलसीएम, वी विल गेट √3x प्लस y इक्वल टू 10। दिस इज योर प्रॉपर आंसर। यानी मुझे कुछ लाइन की क्वेश्चन निकालने थी जिसमें p की वैल्यू दे रखी थी 5 और एक ड्रॉ करेंगे ओरिजिन से परपेंडिकुलर और वो परपेंडिकुलर एंगल बना रहा है 30 डिग्री। तो आपने ये इंटरसेप्ट फॉर्म का, सॉरी नॉर्मल फॉर्म का क्वेश्चन इजिली डन किया, आसानी से कर लिया। ये आप बताइए, दिस इज व्हाट, दिस इज योर वन मार्कर क्वेश्चन। ठीक, तो ये इस तरह से आपको फॉर्मेट पे यूज करना आ रहा, अच्छे से समझ में ये चीजें आ रही है। फिर एक और अच्छा क्वेश्चन डिस्कस किया उसने, कह रहा है कि ये ट्रायंगल है आपका PQR, दिस इज योर ट्रायंगल PQR, सो PQR इज योर ट्रायंगल एंड वर्टिसेस आर ऑफ कोर्स दिस वन इज गिवन, दिस वन इज 2, 1, PQ है 2, 1, QQ है -2, 3 -2, 3 एंड R के वर्टिसेस है 4, 5। These are the vertices of triangle PQR, right? And they are saying find the equation of median through the vertex R. Equation of median through vertex R. यानी यहाँ से R से median draw करें। तो इसको मैंने ऐसे करके join कर लिया। S point है। RS is your median, right? RS is your median. मुझे इसकी equation निकालनी। पहले तो ये देखें कि median होती क्या है। किसी भी ट्रायंगल में वर्टेक्स से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो अपोजिट साइड्स को 2 equal parts में डिवाइड कर दे, अपोजिट साइड्स को 2 equal parts में डिवाइड कर दे, दैट लाइन इज नोन एज द मीडियन। उस लाइन को बोलते हैं मीडियन। अगर आर एस ये आपका मीडियन है तो ये एस इन दोनों का मिड पॉइंट हो गया। तो मेरे को एस के कोऑर्डिनेट पता है इसका मतलब कैसे, क्योंकि अगर इन दोनों का मिड पॉइंट है एस, तो एस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 2 + -2 यानी 0, फिर क्या हुआ 1 + 3, 4/2 यानी 2। तो मैंने एस के कॉर्डिनेट निकाल ली, दैट इज 0, 2। मुझे एस के कॉर्डिनेट पता चल गए, आर के पता है, और पूछा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ आर एस मीडियन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ योर आर एस मीडियन। तो क्या करें, पॉइंट पता है,
x1 y1 x2 y2. Ninth equation is what? That is y minus y1 equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 in bracket x minus x1. ये मुझे इक्वेशन पता है. जब इक्वेशन पता है, x1 y1 के पॉइंट पता है, तो क्या करेंगे आप? इनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे. y माइनस y1, लेट y1 हो गया आपका 5, y2 माइनस y1, तो ये x1 y1 है, ये x2 y2, तो y2 माइनस y1, तो 2 माइनस 5 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1, 0 माइनस 4 यानी माइनस 4 इन ब्रैकेट x माइनस x1, x1 कितना है 4, दिस वन कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो 4y माइनस 20 इक्वल टू 3x माइनस 12, शिफ्ट कर लेते हैं तो 3x माइनस 4y प्लस 20 माइनस 12 इक्वल टू 0, तो फाइनल आंसर है 3x माइनस 4y, तो 3x माइनस 4y 20 से 12 का 8, दिस इज योर फाइनल आंसर. दैट इज व्हाट, दैट इज इक्वेशन ऑफ मीडियन RS अकॉर्डिंग टू अवर प्रॉब्लम. होप सो दिस पार्ट इज आल्सो क्लियर. तो अगर ट्रायंगल पता है, वर्टिसेस पता है, तो हम मीडियन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है ना? तो मीडियन की इक्वेशन है कि मीडियन की लेंथ भी निकाल सकता है. अगर वो बोलता लेंथ ऑफ मीडियन, इसकी लेंथ निकालो, तो क्या करेंगे? सिंपल, यू हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से इनके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, दैट इज व्हाट, दैट इज द लेंथ ऑफ मीडियन फ्रॉम आर टू एस. इसकी वैल्यू भी आसानी से कैलकुलेट हो जाएगी. इस पॉइंट पे भी कोई इशू नहीं है. कल मैंने एंगल बिटवीन टू लाइंस भी बताया था कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट है दैट इज माइनस वन, और अगर पैरेलल है तो उनके स्लोप इक्वल हो जाएंगे, एम वन इक्वल टू एम टू. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू माइनस थ्री कॉमा फाइव. कह रहा एक लाइन है माइनस थ्री कॉमा फाइव से ये पास हो रही है, कह रहा ये लाइन ऐसे जा रही है, मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है. फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू माइनस थ्री कॉमा फाइव एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस वन एंड दिस वन. करेक्ट, लाइन है ऐसे, इसके परपेंडिकुलर है ये रे लाइन, और उस लाइन के कोऑर्डिनेट क्या है, 2,5, ये है 2,5, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस 3,6, ये है आपका माइनस 3,6. यस, तो ये मुझे इस लाइन की पिक्चर निकालनी है, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है. जब किसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है, किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो दो बातें आपको ध्यान देनी है. एक तो किस पॉइंट से पास हो रही है वो पता हो, और उस लाइन का स्लोप पता होना चाहिए. पॉइंट पता है, स्लोप पता, तो आप आसानी से लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं. तो पॉइंट तो पता है, अब मुझे इस लाइन का स्लोप चाहिए, तो कह रहा है ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, माइनस वन. लेट इस लाइन का स्लोप है एम वन, लेट इस लाइन का स्लोप है m2, तो m1 into m2 equal to minus 1 लगा दिया मैंने. क्यों लगा दिया, why? Because this line is perpendicular to this one line. ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो m1 की जगह तो m1, m2 इस लाइन का स्लोप, स्लोप निकालना है मुझे, तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2. दो पॉइंट पता है, तो स्लोप निकाल लेते हैं कैसे, y2 minus y1 upon x2 minus x1, तो y2 minus y1 upon y2 minus y1 upon x2 minus x1, ये आ गया equal to minus 1. m1 dot 6 से 5 गया 1, 1 upon minus 5 equal to minus 5, cross multiply किया तो m1 आ गया मेरे पास 5. तो मुझे इस लाइन का स्लोप आ गया, ये पॉइंट भी पता है, तो आसान हो गया क्वेश्चन. पॉइंट भी पता है, स्लोप भी पता है, तो पॉइंट स्लोप लगा देते हैं. y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इन ब्रैकेट में x माइनस एक्स वन. वाई माइनस वाई वन, वाई वन कितना है 5, m निकाला आपने 5, इन ब्रैकेट x माइनस एक्स वन, एक्स वन कितना है माइनस 3, तो ये हो जाएगा प्लस 3. दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन. दिस इज योर, आप फटाफट अपने कैमरे ऑन करें, फटाफट इमीडिएट कैमरा ऑन करें सब लोग. आई एम नॉट आस्किंग, फटाफट कर ले जल्दी से, वरना मैं निकाल दूंगा सबको ग्रुप से. फटाफट करें,
Clear? So this is what, this is your final equation. Final equation, that means a line passes through this one point and perpendicular to this one. मतलब कि अगर एक लाइन किसी लाइन के परपेंडिकुलर है, और बेसिक प्रॉब्लम इज व्हाट, बेसिक थिंग इज फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस वन लाइन. ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस वन लाइन पासेस थ्रू, दैट इज व्हाट, दैट इज पासेस थ्रू -3, 5 एंड दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस वन. इफ दिस लाइन इज पासेस थ्रू -3, 5, दिस लाइन पासेस थ्रू -3, 5, दैट मींस पॉइंट इज गिवन. सो वी आर व्हाट, वी आर सर्चिंग फ्रॉम इट्स slope of the function, slope that is m, and this is also given. If this line is perpendicular to this one line, the product of these two line is equal to -1. Already discussed in our class, if two line are perpendicular to each other, that means un dono line ka jo product of slope hai, that is equal to -1. So let slope of this line is m1. If points are given, now we are going to calculate slope of the function. If points are given, how can we calculate the slope of the function? Using simple formula, that is y2 minus y1 upon x2 minus x1. So y2 minus y1 upon x2 minus x1. Product of this one into this one is equal to -1. I think this step is clear. Now, 6 minus 5, that is 1, minus 2, minus 2, minus 5. Going from cross multiplication, minus 5 into minus 1, that is equal to 5. So slope of this line is 5. Now, what we are observing? We are observing points is given, slope calculated. Now, equation of line passing through this one point. So that is type number one. Type number one, equation of line passing through single point. That is y minus y1 equal to mx minus x1. x1, y1 are what? -3, 5, and m you have to calculate it. M aapne calculate kiya hua, right? Put down the value of this one and you will get value, or you can say that equation of straight line that is passing through this one. Hope so this part is clear. ये part अच्छे से आपको समझ में आ रहा है. Clear अच्छे से? किसी को doubt है मुझसे पूछ सकता है.